व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो बहुत दिनों से स्पीड 400 बाहर नहीं निकाला था और आज मन हुआ कि मैं इसको रात को टाइम थोड़ा चलाऊं, सो निकल पड़ा हूं। एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट व्हाई आई चोज स्पीड 400 ओवर एनी अदर मोटरसाइकिल इन द सेगमेंट। सो या लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। माय डैड इज बीन राइडिंग स्प्लेंडर 125 फ्रॉम पास्ट 20-25 ईयर्स। So he wanted a new bike for himself. So my dad doesn't like a heavy motorcycle, जो maneuver करने में you know बहुत heavy है, for example the Himalayan. So वो उसको पसंद नहीं है। Bike should be like very compact, lightweight, और उसका power भी इतना aggressive ना हो कि वो आपको डरा दे। So speed 400 is the best option you can buy in the market right now. See the thing is, speed 400 का खासियत ये है कि इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है, लाइक आपको कंफर्टेबल राइड देती है बाइक। इसका पावर डिलीवरी आपको डराएगा नहीं, लाइक द ड्यूक 390। डोंट गेट मी रॉन्ग, दिस बाइक इज़ वेरी पावरफुल, बट इट वोंट स्केयर यू लाइक द ड्यूक 390। सो आप एज यू कैन सी, आई एम ईजिली कम्फर्टेबली क्रूजिंग एट द स्पीड ऑफ 70 km/h एट 6th गियर। बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको आराम से भी चला सकते हो। ओके, सो सेकेंड थिंग, बाइक इज़ वेरी लाइट, इट इज़ वेरी फ्लिकेबल। कहीं से भी आप कैसे भी निकालो, कोई आपको फ़र्क नहीं, कोई आपको लाइक प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड सिटीज़ में चलाओ, कहीं पे भी चलाओ, कोई इशू नहीं है। सो या दैट इज़ द प्लस पॉइंट ऑफ दिस बाइक। सो दिस बाइक इज़ वेरी परफेक्ट फॉर माई डैड। आफ्टर राइडिंग दिस बाइक ही रियली लव दिस मशीन, लाइक बोलने लगा कि बहुत ही लाइट है, चलाने में मज़ा आ रहा है, एंड उतना भी लाइक एग्रेसिव डराने वाले पावर नहीं है इसमें। सो या दैट इज़ व्हाट यू नीड। और अगर मैं अपने खुद के लिए बाइक लेता तो इट विल बी अ डिफरेंट टॉपिक, बिकॉज आई लव एडवेंचर मोटरसाइकिल्स। सो अगर मैं अपने खुद के लिए मोटरसाइकिल लेता, देन इट वुड बी एडवेंचर ड्यूक 390 द अपकमिंग, एंड द हिमालयन 450। सो इनमें से ये दो में से मैं किसी एक बाइक को घर ले आता। अगर मैं फ्यूचर में अपग्रेड करने वाला हूँ, अगर मैं और एक बाइक ख़रीदता हूँ फ्यूचर में, देन इट वुड बी अ श्योर शॉट एडवेंचर मोटरसाइकिल। सो या दो रोड बाइक्स तो हो गए हैं गैरेज में, अब चाहिए नेक्स्ट एडवेंचर मोटरसाइकिल। सो वो कब आएगा मुझे नहीं मालूम, पर इतना श्योर हूँ कि नेक्स्ट अगर मैं बाइक लूँगा तो इट विल बी अ एडवेंचर मोटरसाइकिल। सो ये हो गया मेरा रीज़न ऑन परचेजिंग द स्पीड 400। सो अभी मैं बात करूँगा उन लोगों के बारे में जो कन्फ्यूज है राइट नाउ विच मोटरसाइकिल दे शुड बाय, द गोरिल्ला 450 और द स्पीड 400। मैं और किसी 400 सीसी सेगमेंट बाइक को इन दोनों के बीच कंपेयर नहीं करूँगा, क्योंकि दीज टू बाइक्स, द गोरिल्ला 450 एंड द स्पीड 400 इज़ द बेस्ट इन द सेगमेंट राइट नाउ। सो मैं इन दो ही बाइक्स का कंपैरिजन करूँगा। द गोरिल्ला 450 इज़ अ गुड बाइक, इंजन भी इससे थोड़ा सा पावरफुल है। इट हैज़ अ सेम इंजन विच यू सी ऑन द हिमालयन 450, बट गोरिल्ला क्यों बेटर है हिमालयन से, बिकॉज ऑफ द पावर टू वेट रेशियो। सो गोरिल्ला इज मच मोर लाइटर देन द हिमालयन। जो लोग भी अभी 450 गोरिल्ला 450 और स्पीड 400 पे कन्फ्यूज है लाइक विच बाइक शुड दे बाय, सो उनके लिए मैं फ्यू पॉइंट्स रखूँगा। सी इन दिस बाइक यू विल गेट दैट प्रीमियमनेस, वो क्वालिटी आपको फील होगा, फिट एंड फिनिश आपको टॉप लेवल पे मिलेगा, जो कि आपको रॉयल एनफील्ड के मोटरसाइकिल्स में लैक करता है, सबको मालूम है। यू नो रॉयल एनफील्ड के बाइक्स में ना ओवर द टाइम एक 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 प्रॉब्लम आते रहते हैं। सो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि बाइक राइट साइड में पुल कर रही है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे कि गोरिल्ला 450 एंड द हिमालयन 450 इज़ पुलिंग टुवर्ड्स द राइट। सो ऐसे इश्यूज, आप इतना खर्चा करके एक बाइक लेते हो और उस पर इशूज़ पे इशूज आते हैं, तो कोई पॉइंट नहीं बनता बाइक लेने का। इंजन कितना भी अच्छा हो, लेकिन ऐसे छोटे मोटे लाइक प्रॉब्लम्स आने लगे बाइक पे, तो इट्स वेरी इरिटेटिंग ब्रो। एंड द थिंग इज, स्पीड 400 लॉन्ग टर्म में कैसे परफॉर्म करेगी, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे क्या नहीं,
वो अभी तक मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना तो श्योर हूँ दिस बाइक इज मच बेटर देन गोरिल्ला 450. इफ़ यू वॉन्ट टू बाय, आग बंद करके स्पीड 400 ले लो, बेस्ट बाइक है. नाउ सम पीपल आर सेइंग दैट स्पीड 400 हैज़ अ लॉट ऑफ वाइब्रेशंस. यस इट हैज़ वाइब्रेशंस, आई एम टेलिंग यू. आफ्टर 100 km/h उसके नीचे तो कोई भी वाइब्रेशन नहीं है. सो आई वॉन्ट कॉल इट इरीटेटिंग वाइब्रेशन. सी देर आर टू टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन इन द मोटरसाइकिल. वन इज द इरीटेटिंग वाइब्रेशन विच विल इरीटेट यू वाइल राइडिंग द मोटरसाइकिल. द अदर वाइब्रेशन इज वॉट यू कॉल द फील ऑफ मोटरसाइकिल. सो इट इज़ नॉट अ इरीटेटिंग वाइब्रेशन. सो इफ यू हैव रिडन अपाची RR310 द फर्स्ट जैन और द एक्सपल्स 200, सो उनका इंजन आप अगर वो बाइक अगर आप चलाओगे तो उसमें जो वाइब्रेशन है ना वो बहुत ही इरीटेटिंग वाइब्रेशन है. सो इट विल इरीटेट यू वाइल राइडिंग. सो दैट इज कॉल्ड अ इरीटेटिंग वाइब्रेशन. जो इसमें वाइब्रेशन है ना ब्रो, आई लव दैट फीलिंग बिकॉज यू फील कनेक्टेड विद द मोटरसाइकिल. आई लव द वाइब्रेशन, द रॉनेस इन द मोटरसाइकिल. अगर मोटरसाइकिल में वो रॉनेस, वो लाइक थोड़ा सा वाइब्रेशन ना हो तो क्या फ़ायदा. इससे अच्छा आप इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लो, सुई करके जाओ, सुई करके आओ, ना एग्जॉस्ट का आवाज़ ना कोई वाइब्रेशन. सो वाइब्रेशंस तो होना ही चाहिए यार बाइक में थोड़ा. तो इट्स अ सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल, वाइब्रेशन तो आएगा ही ऑब्वियसली. सो आई हैव R15 Version 3 एज वेल नो, वेरी रॉ इंजन. व्हेन यू पुल इट हार्डर यू फील द कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर मोटरसाइकिल. सो दैट इज़ व्हाट आई लव इन द मोटरसाइकिल. सेम गोज विद द स्पीड 400. व्हेन यू पुल इट हार्डर vibration is there little bit, but it is not an irritating vibration. You feel the connection between your motorcycle. So that is what I love the most in the motorcycle. So yeah, this was a quick video on why I chose the speed 400 over any other motorcycle. If you are looking for a good motorcycle under 3.5 lakhs, aag band karke le lo bro speed 400 or the scrambler 400. So yeah, this was my quick video on the speed 400. And if you are new to this channel, please do subscribe. And there are more amazing videos coming up on my channel, so stay tuned for that. And also I'm gonna make a full detailed video on the all accessories which I have installed on my speed 400. So wo video next aa sakta hai. So subscribe to my channel and I'll see you guys in the next video. Bye bye.